गुड मॉर्निंग मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आवाज आ रही है मेरी? गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड सर। मॉर्निंग। धीरे धीरे कर लो। गुड मॉर्निंग, यही हूँ मैं क्लास के अंदर ही। और वैसे भी 6-7 दिन की बात हो रहा, फिर तो हम स्कूल में गुड मॉर्निंग करेंगे। 2 तारीख से तो वैसे भी स्कूल ओपन हो रही है। देखो, बिना टाइम वेस्ट किए हुए टॉपिक के ऊपर आते हैं। और टॉपिक हम क्या पढ़ रहे थे? धातुओं की जल से अभिक्रिया, सॉरी, धातुओं की वायु से क्रिया या अभिक्रिया। और ये सारा मैंने पढ़ा दिया था कल। और लास्ट में एक रिजल्ट बच गया था इसका, कि मैं बताने वाला था कि जो भी हमने पढ़ा उसका रिजल्ट क्या निकला। तो वो रिजल्ट बताकर मैं सेकंड पॉइंट में चलूंगा। कल मैंने स्टार्ट कर दिया था कि धातुओं के रासायनिक गुण, और रासायनिक से मतलब है धातुओं की अभिक्रिया चार चीजों से करवानी है, वायु से, जल से, अम्ल से और क्षार से। तो वायु वाला टॉपिक पूरा हो गया। एक बार फिर से मैं हल्का सा रिवाइज कर देता हूँ। अगर धातु की अभिक्रिया वायु से करवाते हैं तो क्या बनता है? धात्विक ऑक्साइड। क्या बनता है? धात्विक ऑक्साइड। फिर नेक्स्ट पॉइंट, जो धात्विक ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे धात्विक ऑक्साइड होते हैं जो अम्लीय और क्षारीय दोनों का काम करते हैं, उन्हें बोला जाता है उभयधर्मी ऑक्साइड। जैसे एल्यूमिनियम और जिंक वाला उभयधर्मी ऑक्साइड, मतलब एल्यूमिनियम ऑक्साइड अम्ल से भी अभिक्रिया कर सकता है और क्षार से भी। फिर हमने क्या किया था? एल्यूमिनियम ऑक्साइड की अभिक्रिया करवाई थी किससे? अम्ल से, HCl से और क्षार NaOH से। तो क्या बनाता? लवण बनाता अम्ल के साथ, तो AlCl3, और क्षार के साथ क्या बनाता? NaAlO2, यानी कि सोडियम एल्यूमिनेट, ये बनाता हमने। फिर वहां पर हमें पानी भी मिला था। फिर तीसरा पॉइंट ये बताया था मैंने कि सभी धातु ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते, यानी कि सभी धातु ऑक्साइड जल में घुलनशील नहीं होते। कुछ ही धातु ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो जल में घुलनशील होते हैं और पानी के साथ घुल कर वो क्या देते हैं? क्षार। दो एग्जाम्पल लिए थे मैंने, एक पोटेशियम का और एक सोडियम का, दोनों की अभिक्रिया करवाई थी पानी से, तो हमें क्षार मिला था पोटेशियम के साथ NaOH, और सोडियम के साथ क्या मिला था? सॉरी, पोटेशियम के साथ KOH और सोडियम के साथ NaOH। हाँ, ये सारा कल का मैटर था जो मैंने अभी तक बोला। अब जो मेन रिजल्ट है, ध्यान देना, मुख्य जो रिजल्ट है वो क्या था? मुख्य रिजल्ट ये है, इसका निष्कर्ष क्या है बात का, वो निष्कर्ष बता रहा हूं मैं। निष्कर्ष ये है कि कुछ ऐसी धातुएं होती है जो जो वायु के साथ बेहद जल्दी काम करती है, मतलब कुछ ऐसी धातुएं हैं जो वायु के साथ फटाफट रिएक्शन कर लेती है। जैसे एग्जांपल सोडियम और पोटाशियम, सोडियम और पोटाशियम, अगर आप इन दोनों धातुओं को हवा में रख दोगे ना, खुला टेबल पर रख दिया, कुर्सी पर रख दिया, तो ये आग पकड़ लेती है। बहुत ज्यादा इनफ्लेमेबल है, बहुत ज्यादा ज्वलनशील है सोडियम और पोटेशियम। उनको आप हवा में खुला नहीं छोड़ सकते, उनको आप वायु में खुला नहीं छोड़ सकते। तो सोचो, देखो, नोटिस करना, सोडियम और पोटेशियम ऐसी धातुएं हैं, नंबर 11 वाली और नंबर 19 वाली, दोनों इतनी अग्रेसिव है, इतनी जबरदस्त मेटल है, इनको ना तो आप हवा में रख सकते हो ना इनको आप पानी में रख सकते हो, क्योंकि ये दोनों जगह आग पकड़ती है, ये दोनों जगह आग पकड़ती है। इनको पानी में डालोगे तो भी आग पकड़ेगी, ठीक है, इनको हवा में खुला छोड़ोगे तो भी आग पकड़ेगी। फिर आग पकड़ती है तो लफड़ाओगे, इनको रखा कहाँ जाए? तो इनको स्टोर किया जाता है केरोसिन के अंदर। केरोसिन होता है ना, मिट्टी का तेल, उसके अंदर रखा जाता है सोडियम को और पोटेशियम को। पहला पॉइंट, रिजल्ट पढ़ रहे हो ना आप, रिजल्ट, तो रिजल्ट का पहला पॉइंट, कुछ ऐसी धातुएं होती है जो वायु के साथ बहुत जल्दी क्रिया करके आग पकड़ लेती है, जैसे सोडियम और पोटेशियम। सेकंड पॉइंट, कुछ ऐसी धातुएं होती है जो वायु के साथ बिल्कुल भी क्रिया नहीं करती, जैसे सिल्वर और गोल्ड, सोना और चांदी, ये क्रिया नहीं करती, ये एक्सीलेंट मेटल होती है। नंबर 3, कुछ ऐसी धातुएं होती है जो वायु के साथ बिल्कुल धीरे धीरे रिएक्शन करती है, बिल्कुल धीरे धीरे अभिक्रिया करती है, और अभिक्रिया करने से उन धातुओं के ऊपर एक काले रंग की परत चढ़ जाती है। जैसे एग्जाम्पल लू मैं कॉपर, एल्यूमिनियम, लेड और जिंक, ये सारी के सारी ये ऐसी धातु हैं जो वायु से क्रिया करके धीरे धीरे क्रिया करती है और इनके ऊपर एक परत चढ़ जाती है काले रंग की, जिसको धातु ऑक्साइड की परत बोला जाता है, ठीक है। अब जो भी मैंने बोला ना वो मैं लिख रहा हूं थ्योरी के रूप में, तो समझते चलना। पॉइंट नंबर फर्स्ट, कुछ धातुएं, और वैसे भी देखो आपको इतनी टेंशन भी नहीं लेनी है, आपके 15 या 16 चैप्टर है, उनमें से 8 चैप्टर तैयार करना आपको, 50% सिलेबस आएगा आपके, 50% मतलब
50% सिलेबस है तुम्हारे, जहां पर हमारे 16 चैप्टर हैं, मात्र हमें कितने चैप्टर तैयार करने हैं, 8 चैप्टर बस। मजे हमारे तो ओनली 8 चैप्टर पढ़ने हैं आपको तो। देखो सर, 8 ही क्यों पढ़ने, 8 ही क्यों, 8 ही क्यों? कोरोना की वजह से लेट हो गए ना, 8 को जुलाई जाने वाला, अगस्त चालू होने वाला, सिलेबस का पूरा होगा, इतने तो गवर्नमेंट सोचती है, कम पढ़ना है। अब वो 8 चैप्टर कौन से पढ़ने हैं, अभी तक सिलेबस नहीं आया, तो हम सब अंधेरे में हैं इस समय, तुम सबसे ज्यादा अंधेरे में तो मैं हूँ, जिसको पता ही नहीं कि कौन सा चैप्टर आने वाला है, कौन सा पढ़ाया जा रहा है। इसलिए हमने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, लगातार केमिस्ट्री उठा ली हमने, कौन सा चैप्टर ले लिया, 3रा चैप्टर, बायोलॉजी का चैप्टर लेना चाहिए था। कोई नहीं, अभी थोड़ा सा चैप्टर और बच रहा है, इस 3रे चैप्टर को करवा के हम फिर बायो का चैप्टर पढ़ेंगे, 6ठा चैप्टर, ह्यूमन मतलब इको, सॉरी हमारी बॉडी के ऊपर है वो, लाइफ प्रोसेस नाम है चैप्टर का, जीव प्रक्रम, उसके बारे में। केमिस्ट्री नहीं लेंगे, बाद में लेंगे सिलेबस आने के बाद। देखो रिजल्ट क्या है, कुछ धातुएं वायु से शीघ्रता से, कुछ धातुएं वायु से शीघ्रता से क्रिया करती है, शीघ्रता से क्रिया करती है तथा क्रिया करके आग पकड़ती है, क्रिया करके आग पकड़ती है, जैसे एक तो है Na और एक है K, सोडियम और पोटेशियम। फिर यहां नोट डाल के आप लिखोगे कि सोडियम और पोटेशियम वाटर के साथ, मतलब पानी के साथ और एयर के साथ क्रिया करके क्या पकड़ती है, आग। तो ना तो इसको हवा में खुला छोड़ सकते हैं इन दोनों धातुओं को, ना इनको हम पानी में छोड़ सकते हैं। फिर इन दोनों का स्टोर कहाँ पर किया जाता है, इनका स्टोरेज कहाँ पर, मतलब इनका भंडारण कहाँ पर होता है, इनको रखा कहाँ पर जाता है, उस जगह का नाम है मिट्टी का तेल, केरोसिन। इन दोनों धातुओं को कहाँ पर रखा जाता है, केरोसिन के अंदर। ये हो गया पहला पॉइंट। पॉइंट नंबर 2, कुछ धातुएं वायु से क्रिया नहीं करती हैं, कुछ धातुएं वायु से क्रिया नहीं करती हैं। एग्जाम्पल है एयू का मतलब सोना और एजी का मतलब चांदी, ये दोनों वायु से क्रिया नहीं करती। पॉइंट नंबर 3, कुछ धातुएं वायु से धीमी अभिक्रिया, कुछ धातुएं वायु से धीमी अभिक्रिया करती है, धीमी अभिक्रिया करती है तथा इन धातुओं के ऊपर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, थर्ड पॉइंट, कुछ धातुएं वायु से धीमी अभिक्रिया करती है तथा इन धातुओं के ऊपर क्रिया करने के बाद की बात है, तथा इन धातुओं के ऊपर ऑक्सीजन की पतली परत का निर्माण होता है, मतलब धातु ऑक्साइड का निर्माण हो जाता है, जैसे जैसे एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, लेड, जिंक, बस। इससे ज्यादा आपको कुछ भी याद नहीं करना इसके अंदर। 3रा पॉइंट अभी पूरा नहीं हुआ है, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा अभी। देखो ध्यान दो, कुछ ऐसी मेटल्स है, कुछ ऐसी धातु है जो वायु से बहुत जल्दी क्रिया करती है, जैसे ही हवा में खुला छोड़ा आग पकड़ लेगी, ठीक है। सोडियम और पोटेशियम, इनको पानी में भी डालने की कोशिश करोगे तो ये पानी से भी उसी गति के साथ रिएक्शन करती है, तो ये पानी में भी आग पकड़ेगी। तो फिर कहाँ रखा जाए इनको, फिर इनका स्टोरेज किया जाता है मिट्टी का तेल या फिर केरोसिन के अंदर, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, कुछ ऐसी भी मेटल होती है, इतनी एक्सीलेंट बेटर मेटल होती है, ये वायु से क्रिया नहीं करती। क्रिया करने का मतलब है, धातुओं का क्रिया करने से मतलब है धातु बेकार हो जाती है, वायु से क्रिया करेगी तो उनके ऊपर काली परत चढ़ जाती है,
पानी से क्रिया करेगी तो फिर वो ऑक्साइड बना लेते हैं, सॉरी हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं। इसलिए जो धातु क्रिया नहीं करती ना वो बहुत अच्छी धातु मानी जाती है। तो कुछ धातु वायु से क्रिया नहीं करती, जैसे सोना और चांदी। कुछ धातु हैं, इस पॉइंट पर थोड़ा सा माइंड खर्च करोगे आप अपना, कुछ धातु हैं वायु से धीमी अभिक्रिया करती है, बहुत स्लो पोजीशन में, बहुत स्लो मोशन के अंदर रिएक्शन होती है इनकी। किस किस की? एल्यूमिनियम की, मैग्नीशियम की, लेड, पीबी, पीबी का मतलब शीशा, और एक जिंक, जस्ता। ये ऐसे अभिक्रियाएं हैं जो वायु के साथ बिल्कुल स्लो स्लो रिएक्शन करती है, और जब इनकी अभिक्रिया वायु से हो जाती है तो इन सभी धातुओं के ऊपर एक पतली परत बन जाती है, और वो जो पतली परत बनती है ना वो बनती है धातु ऑक्साइड की। हालांकि उसमें ऑक्सीजन मिक्स होती है, मैंने लिखा है धातुओं के ऊपर ऑक्सीजन की पतली परत, वो ऑक्सीजन की परत नहीं होती हम कह सकते हैं ऐसे, लेकिन वो जो परत होती है ना वो होती है धातु ऑक्साइड की परत जम जाती है। अब आप सोचो जब ये धातुएं वायु से क्रिया करेगी तो इन सबकी सतह के ऊपर धातु ऑक्साइड की पतली परत बन जाएगी, बिल्कुल बनेगी। और वो जो धातु ऑक्साइड की पतली परत बनी है ना, धातु ऑक्साइड की पतली परत, वो क्या करती है, वो इन सभी धातुओं को जंग से बचाती है, इनका संक्षारण नहीं होता। पहले चैप्टर में पढ़ा था ना मैं संक्षारण और विकृत गंधिता। संक्षारण का मतलब होता है धातु ही क्रिया करके उनके ऊपर जंग लग जाती है, ऑक्सीजन से क्रिया होती है तो, और फिर वो धातु बेकार हो जाती है। तो सोचो जब ऑक्सीजन इनसे क्रिया करेगी, ऑक्सीजन, तो इनके ऊपर एक पतली परत बन जाती है, और वो जो पतली परत है वो धातु ऑक्साइड की परत है, वो किसकी परत है, धातु ऑक्साइड। लेकिन वो जो धातु ऑक्साइड की परत बनी है ना पतली वाली, वो इनको नुकसान नहीं पहुंचाती, उल्टा इनको प्रॉफिट पहुंचाती है। अब इनका प्रॉफिट कैसे हुआ, जैसे मान लो एल्यूमिनियम के ऊपर पतली परत बन गई, एल्यूमिनियम ने रिएक्शन की ऑक्सीजन से तो क्या बना, Al2O3 ये बन गया। तो ये Al2O3 एक पतली परत है, ये एल्यूमिनियम की सुरक्षा कर रही है, किस चीज से, जंग से, और उसी जंग का दूसरा नाम है संक्षारण। किससे सुरक्षा कर रही है, संक्षारण से। तो इन सभी धातुओं की सुरक्षा होती है धातु ऑक्साइड की पतली परत से, इन सबका संक्षारण रुक जाता है। अब देखो यहां से एक और टॉपिक तैयार करना पड़ेगा, अभी हम सेकंड पॉइंट में नहीं चल रहे, बाद में जाएंगे, हमें एक छोटा सा टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, और छोटा सा टॉपिक है एनोडीकरण, छोटे से टॉपिक का नाम है। आवाज नहीं सर, जंग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्या सर जंग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रस्टिंग, रस्टिंग, कोरोजन भी कहते हैं, रस्टिंग भी बोल सकते हो या फिर कोरोजन, ठीक है, दोनों वर्ड आते हैं ऐसे। रस्टिंग का मतलब भी जंग लगना होता है, और कोरोजन दोनों वर्ड काम में ले सकते, ठीक है। अब देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं अभी बता रहा हूं ना, एल्यूमिनियम का मतलब है, एल्यूमिनियम से एक टॉपिक तैयार करना है, कौन सा टॉपिक, एनोडीकरण, एनोडीकरण। और अगर इस चीज को मैं बिल्कुल शॉर्ट में बोलूं तो उसका मतलब यह है कि एल्यूमिनियम के ऊपर एक परत चढ़ा दी जाती है धातु ऑक्साइड की, एल्यूमिनियम के ऊपर धातु ऑक्साइड की एक परत चढ़ा दी जाती है, क्यों, ताकि एल्यूमिनियम पर जंग ना लगे, एल्यूमिनियम का संक्षारण ना हो, उस प्रोसेस को बोला जाता है एनोडीकरण। और एनोडीकरण इसलिए बोलते हैं, एल्यूमिनियम को एनोड पर लगाकर एक विद्युत परिपथ तैयार किया जाता है। हम कई बार पढ़ते हैं चीजों को, एक तरफ कैथोड एक तरफ एनोड, एनोड के ऊपर बांध दिया जाता है इसको, एल्यूमिनियम को, तो एनोड पर एल्यूमिनियम, उसके ऊपर परत चढ़ा दो, तो एल्यूमिनियम एनोड पर है तो नाम निकाल दिया एनोडीकरण। देखो कैसे समझाता हूं पूरा, इसको हटा रहा हूं, आवाज मत करो, आवाज नहीं, पढ़ाई में ध्यान रखो कि पूरे 45 मिनट आपको बड़े शिद्दत के साथ पढ़ना है। देखो टॉपिक क्या हमारा, एनोडीकरण, एनोडी, वेरी इंपॉर्टेंट, एनोडाइजिंग इंग्लिश में बोल देते हैं, एनोडाइजिंग। अब देखो एनोडीकरण का मतलब क्या है, एनोडीकरण का मतलब है एल्यूमिनियम के ऊपर
एल्यूमिनियम के ऊपर धातु ऑक्साइड की, एल्यूमिनियम के ऊपर धातु ऑक्साइड की मोटी परत, मोटी ध्यान रखना, मोटी पर ध्यान देना, एल्यूमिनियम के ऊपर धातु ऑक्साइड की मोटी परत का निर्माण करना, मोटी परत का निर्माण करना ताकि ताकि एल्यूमिनियम का संक्षारण ना हो, मतलब ये खराब नहीं हो, ताकि एल्यूमिनियम का संक्षारण ना हो। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? एनोडीकरण। इस प्रक्रिया को बोल दिया जाता है एनोडीकरण। देखो नोटिस करना, एल्यूमिनियम वायुमंडल में तो वैसे भी रहेगी, तो एल्यूमिनियम के ऊपर पतली परत तो पहले से बन जाती है, इसमें हम कुछ नहीं करेंगे, हमारा कोई इसमें रोल नहीं होगा। एल्यूमिनियम को अगर आप वायु में खुला छोड़ोगे तो वायु में ऑक्सीजन है, एल्यूमिनियम से क्रिया करेगी और एक पतली सी परत बन जाती है एल्यूमिनियम के ऊपर, धातु ऑक्साइड की, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की। वो जो पतली परत है वो वाकई में एल्यूमिनियम की सुरक्षा करेगी, किससे? संक्षारण से। ठीक है, देखो समझना, हर चीज को समझा करो। एल्यूमिनियम ने क्रिया की किससे? ऑक्सीजन से। क्या बना? Al2O3। Al2O3 मान लो ये एल्यूमिनियम का टुकड़ा है, आप तो देसी तरीके से समझो हर चीज को। मान लो ये एल्यूमिनियम का टुकड़ा है और इस एल्यूमिनियम के टुकड़े को हमने बाहर छोड़ दिया, छत पर डाल दिया, कहीं पर भी डाल दिया, तो बाहर तो ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन अटैक करेगी चारों तरफ से और ये अटैक प्रॉफिट वाला होगा, इसमें हार्मफुल जैसी कोई चीज नहीं है। तो एल्यूमिनियम का टुकड़ा तो ये रहा, ऑक्सीजन आ गई वायुमंडल से, तो जैसे ही दोनों क्रिया करेंगे एल्यूमिनियम के ऊपर एक पतली पतली सी परत बन जाती है, चारों तरफ एक पतली पतली सी परत बन गई और उस परत का नाम है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब ये जो पतली परत है ना, ये एल्यूमिनियम को सुरक्षा प्रदान कर रही है, किससे? जंग से। किससे? जंग, संक्षारण से। अब देखो जंग क्या करती है, आपको पता है जंग तो किसी भी धातु को खत्म कर सकती है, लोहे पर जंग लगने का मतलब है पूरा लोहा ही खत्म हो गया आपका। तो ये जंग लगती है, और जंग लगती है दो चीजों से, एक तो नमी से और एक ऑक्सीजन से, एक तो नमी से ऑक्सीजन से। फिर आप कहोगे सर ऑक्सीजन तो इधर भी आ रही है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन अकेली है, यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ नमी नहीं है। अगर ऑक्सीजन के साथ नमी आती है, ऑक्सीजन के साथ नमी, तो फिर वो जंग का काम करेगी, लेकिन ये नमी ज्यादा बेकार चीज है। और इस समय का जो मौसम है, आज इस समय का जो आज का जो मौसम चल रहा है, इस समय बहुत ज्यादा नमी है, इस समय जंग लगने के बहुत ज्यादा चांसेज है बीमारी फैलने के भी, क्योंकि नमी वाले मौसम में बैक्टीरिया भी ज्यादा होता है और नमी वाले मौसम में धातुओं पर जंग भी ज्यादा लगती है। तो ये अब ये पतली परत बन गई ना एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, अब चाहे नमी आए चाहे ऑक्सीजन मिलकर आए, अब ये अगर इसके ऊपर अटैक करती है ना, तो ये डायरेक्ट एल्यूमिनियम तक नहीं पहुंच सकती। क्यों नहीं पहुंच सकती? क्योंकि बीच में एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत आ गई, बीच में क्या आ गई? एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत। ठीक है, समझ गए इस चीज को? तो ये तो पतली सी परत है, अब सोचो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की पतली परत है, लेकिन हम चाहते हैं कि ये परत और भी मोटी हो ताकि इसके ऊपर जंग ना लगे, क्योंकि ये परत तो पतली है तो बार बार इसके ऊपर जंग लगने के चांस हो सकते हैं। चलो इस पतली परत ने मान लो एल्यूमिनियम की एक बार सुरक्षा कर दी, दो बार सुरक्षा कर दी, कभी ना कभी तो ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत हटेगी और कभी ना कभी एल्यूमिनियम पर क्या लग सकती है? जंग लगती है, लग सकती है, इसका संक्षारण हो सकता है। इसीलिए हम पहले से ही तैयार हो जाए एल्यूमिनियम को बचाने के लिए। तो क्या किया जाता है, ये जो पतली परत है ना, इसके ऊपर धातु ऑक्साइड की, मतलब एल्यूमिनियम ऑक्साइड की और मोटी परत चढ़ा दी जाती है, और भी मोटी परत केमिकल तरीके से चढ़ा दी जाती है। तभी मैंने लिखा है एल्यूमिनियम के ऊपर धातु ऑक्साइड की मोटी परत का निर्माण करना ताकि एल्यूमिनियम का संक्षारण ना हो, इस प्रक्रिया को बोला जाता है एनोडीकरण। अब ये मोटी परत कैसे चढ़ाई जाती है, इसका निर्माण कैसे होता है, इसके लिए तो हमें एक सर्किट बनाना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। देखो कैसे, ध्यान दियो, इसके लिए क्या करोगे, इसके लिए हमें यही करना है, सबसे पहले लोगे एक बीकर, ये लो, ये तो हमने ले लिया एक
बीकर ले लिया, बीकर। अब इस बीकर में क्या करना है हमें, इस बीकर के अंदर दो इलेक्ट्रोड लगाने हैं। इलेक्ट्रोड वही होते हैं, एक एनोड और एक कैथोड, दो प्लेटें लगानी है दोनों, ठीक है। दोनों को कनेक्ट कर दो सेल के साथ, प्लस इधर वाला माइनस। वी विल नो वेरी वेल, हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि प्लस वाला क्या होता है एनोड और माइनस वाला क्या होता है कैथोड। ये कौन सी प्लेट है एनोड, ये कौन सी प्लेट है दैट इज कैथोड, कौन सी प्लेट कैथोड। अब इस प्लेट के अंदर, सॉरी इस बीकर के अंदर, इस बीकर के अंदर कौन सा मसाला डालना हमें, इसके अंदर डालना है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, याद रखोगे इस चीज को, इसके अंदर भरा जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4। अब ध्यान रखना सारा काम हो गया, अब हमें क्या करना है एल्यूमिनियम को लेकर आना है। अब एल्यूमिनियम को बताओ आप एनोड पे लगाओगे कि कैथोड पे लगाओगे, अकॉर्डिंग टू नेम, नाम के अनुसार एनोडीकरण, मतलब एनोड पे कैथोड पे, एनोड पर, एनोड के ऊपर, एनोड जो एल्यूमिनियम की, जो एल्यूमिनियम की आप पन्नी लेके आ रहे हो, एल्यूमिनियम की धातु लेके आ रहे हो, और धातु तो आग आग वर्धनीयता होती है, पीट पीट कर पतली शीट बना सकते हैं धातु की, ठीक है। उस धातु को चिपका दिया जाता है किसके ऊपर, एनोड के ऊपर, कैथोड पर नहीं। अगर कैथोड पर चिपकाते ना तो उसका नाम होता है कैथोडीकरण, हम एनोड पर चिपका रहे हैं तो एनोडीकरण नाम है। तो ये जो एनोड है इसको मैंने थोड़ा सा डार्क बना दिया, डार्क का मतलब ये है कि इसके ऊपर मैंने एल्यूमिनियम की पन्नी चिपका दी या एल्यूमिनियम की धातु चिपका दी, ये एल्यूमिनियम आ गया। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि एल्यूमिनियम के ऊपर एक मोटी सी परत बन जाए, मोटी परत बन जाए तो एल्यूमिनियम को सुरक्षा प्रदान हो सके। इतना काम होने के बाद अब जैसे ही आप करंट चालू करोगे, जैसे ही बटन ऑन करोगे, प्लस से माइनस क्या आएगा, करंट आएगा। जैसे ही करंट आएगा ये जो H2SO4 है ना ये टूट जाएगा, H2SO4 किस में टूटेगा, H2 plus SO4 minus। इसके बाद में हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या है प्लस वाली होती है, ये तो जाकर मिलेगी आपको किसके ऊपर, कैथोड के ऊपर। हाइड्रोजन किसके ऊपर प्राप्त हो जाएगी, कैथोड के ऊपर, तो हाइड्रोजन गैस तो निकल गई, हमें हाइड्रोजन से यहाँ कोई मतलब भी नहीं है, ठीक है। अब बचा हमारे पास SO4, अब बचा SO4, फिर यहां से क्या होगा SO4 का भी अपघटन होगा और SO4 में से गैस निकलेगी ऑक्सीजन। SO4 में से कौन सी गैस निकलेगी, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज होता है, माइनस होता है कि प्लस होता है, माइनस चार्ज। ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज होता है, माइनस, माइनस वाला तो किसकी तरफ जाएगा, प्लस वाले की तरफ। तो ये जो ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन ही तो परत चढ़ाती है। अभी हमने क्या पढ़ा था, एल्यूमिनियम की भी क्रिया करवाई थी ऑक्सीजन के साथ तो बन गया था Al2O3, लेकिन ये परत पतली थी, हमें मोटी परत चाहिए और भी ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए। अब वायुमंडल से तो हम बहुत सारी ऑक्सीजन नहीं खींच सकते, वो तो जितनी मिलेगी उतनी मिलेगी, ऐसे थोड़ी है कि भर भर के ऑक्सीजन एल्यूमिनियम चिपक जा, ऐसा तो हो नहीं सकता। लेकिन यहाँ पर हम चाहे जितनी ऑक्सीजन चिपका सकते हैं किसके ऊपर, एल्यूमिनियम के ऊपर। H2SO4 की मात्रा बढ़ा दो, ये खाली होता जाता, फिर H2SO4 डालते जाओ, ऑक्सीजन निकलती जाएगी और किसके ऊपर चढ़ती जाएगी, एनोड की प्लेट के ऊपर। और एनोड की प्लेट के ऊपर कौन सी धातु आपने पहले से ही लिपेट दी थी, कौन सी धातु लिपटी हुई है इसके ऊपर एनोड पर, एल्यूमिनियम। इस पर पहले से ही एल्यूमिनियम है, इस पर पहले से ही एल्यूमिनियम है, और एल्यूमिनियम के ऊपर कौन सी गैस आ रही है, ऑक्सीजन। तो एल्यूमिनियम के ऊपर ऑक्सीजन, मतलब एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन क्या बन जाएगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम। इसमें कोई फर्क नहीं है, देखो इसमें उसमें कोई फर्क नहीं है, ये काम तो वायुमंडल में हो रहा था, धीरे धीरे हो रहा था लेकिन, और बिल्कुल पतली पतली परत बन रही थी, ये हम जानबूझकर करवा रहे हैं ताकि मोटी परत बन जाए और इस धातु का संक्षारण ना हो। तो सारी की सारी ऑक्सीजन, जितनी भी इस बीकर में ऑक्सीजन निकलेगी, सारी की सारी ऑक्सीजन जाकर चढ़ेगी किसके ऊपर, एनोड वाली परत के ऊपर, एनोड वाली प्लेट के ऊपर। और एनोड की प्लेट के ऊपर एल्यूमिनियम बैठा है, दोनों में अभिक्रिया होगी एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन में, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाएगा, धात्विक ऑक्साइड,
जिससे एक मोटी परत का निर्माण हो जाएगा। जब मोटी सी परत का निर्माण हो जाएगा तब हम विद्युत धारा प्रवाहित करना बंद कर देंगे और इन प्लेटों को बाहर निकाल लेंगे। और वो जो एल्यूमिनियम की धातु है ना, उसको ले लो और उस एल्यूमिनियम को काम में ले लो। कुछ भी एल्यूमिनियम से तो बहुत सारी चीजें बनाई जाती है, वहां पर काम में ले लो। अब आपको यहां से एक क्वेश्चन बताना है, बताओ एल्यूमिनियम को कैथोड पर क्यों नहीं चढ़ाया? एल्यूमिनियम को कैथोड की प्लेट पर भी तो लगा सकते थे। इसके नाम के अनुसार, नाम के अनुसार एनोड पर लगाए। नहीं, ये कोई लॉजिक थोड़ी है नाम के अकॉर्डिंग। मयंक बताओ देखो, मयंक करंट प्लस से आता है। हाँ, करंट प्लस से आता है। नहीं, करंट से मतलब नहीं बेटा। देखो यहाँ पर मतलब ये है कि अगर आप एल्यूमिनियम को कैथोड पर लगाते ना, तो कैथोड तो माइनस चार्ज है, ऑक्सीजन भी माइनस है, तो माइनस वाला माइनस के पास कैसे जाता? जा ही नहीं सकता, क्योंकि माइनस माइनस में तो क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। आ रही बात समझ में? इसीलिए इसको कौन सी परत पर चढ़ाया? एनोड पर। और एनोड पर कौन सा चार्ज होता है? प्लस का। और ऑक्सीजन, हमें ऑक्सीजन चढ़ानी है ना कि हाइड्रोजन। हमें उस परत पर कौन सी गैस चढ़ानी है? ऑक्सीजन, ऑक्साइड बनाना उसका। तो ऑक्सीजन तो एनोड पर ही जाएगी, कितनी भी कोशिश कर लो, ऑक्सीजन तो माइनस की है और प्लस की तरफ जाएगी, तो कैथोड पर क्यों जाएगी? इसीलिए सोच समझ कर एक प्लानिंग के साथ एल्यूमिनियम की जो परत है वो कौन सी प्लेट पर लिपेट दी गई? एनोड के ऊपर। और इसका नाम निकाल, समझ में आ गया क्या? इसका नाम निकाल दिया, एनोडी कर रहा है। बिल्कुल इजी प्रोसेस है, एग्जाम में आ जाए तो कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। एनओडी कर रहा है। ये लो, ये पहला पॉइंट कंप्लीट हो गया हमारा। पहला पॉइंट कौन सा? धातु की वायु से अभिक्रिया, धातु की वायु से अभिक्रिया। सारी चीज एक्सप्लेन कर दी है, एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। चलो पॉइंट नंबर टू चालू कर रहा हूं मैं, धातु की जल से अभिक्रिया। धातु की हो जाएगा अभी पूरा पॉइंट। देखो एक पॉइंट नंबर टू, धातु की जल से अभिक्रिया, धातु की जल से, चार चीजों से करवानी है, वायु, जल, अम्ल और क्षार। तो वायु वाला टॉपिक तो कंप्लीट, अब कौन सा टॉपिक आया? जल से अभिक्रिया, वायु की जल से अभिक्रिया। देखो इसमें भी आपको वही चीज पढ़नी है, कुछ ऐसी धातुएं हैं जो वायु के साथ बहुत जल्दी क्रिया करती है और आग पकड़ती है, कुछ ऐसी धातुएं हैं जो जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती, वही सोना चांदी, कुछ ऐसी धातुएं हैं जो जल के साथ बहुत धीरे धीरे रिएक्शन करती है, ठीक है, कुछ ऐसी धातु